हे गाइस, वेलकम टू DroidRox यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे आप पीडीएफ फाइल एडिट कर सकते हैं Adobe Reader में। यहाँ पर एग्जांपल के लिए देख सकते हैं मेरे पास दो पीडीएफ फाइल है। लेफ्ट साइड में एक मेन पीडीएफ फाइल है और राइट साइड में देख सकते हैं इसको मैंने अभी एडिट किया है। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं जो हेडलाइन है, मतलब की जो हेडिंग है, इसको मैंने कलर चेंज किया है। सेकेंड देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट्स की जगह ऑनलाइन गेम्स कर दिए, यानी कि यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को भी एडिट किया है। और थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं जो इमेज है ना, इसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया है। अगर आप ऐसे ही सीखना चाहते हैं कैसे पीडीएफ फाइल को एडिट किया जाता है Adobe Reader में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और यूजफुल वीडियो आप सभी के लिए अपलोड करते रहता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Adobe Acrobat में किसी भी पीडीएफ फाइल को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा आपके पीसी में। अगर आप फ्री वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो शायद आप पीडीएफ फाइल को एडिट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर फुल वर्जन बाय करना होगा। जो लोग ज़्यादा समझदार हैं तो उनको पता है कैसे फ्री में इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो मेरे पास Adobe Acrobat DC 2020 वर्जन है, जो कि एक प्रो वर्जन Adobe सॉफ्टवेयर है, और इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया है। तो यूजर इंटरफेस काफ़ी सिंपल है, इजी है, आप इसमें आसानी से फ्री फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो किसी भी पीडीएफ फाइल को एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर होम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके बगल में आपको टूल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ से अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो एडिट पीडीएफ फाइल का ऑप्शन है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको एक फाइल सिलेक्ट करना होगा, माने कि यहाँ पर आपका जो पीडीएफ फाइल है ना उसको सिलेक्ट करना होगा। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा पीडीएफ फाइल ओपन हो चुका है। और अभी मैं आपको इसको एडिट करके दिखा देता हूँ कैसे आप आसानी से किसी भी पीडीएफ फाइल में टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, इमेज रिप्लेस कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी आप वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर टेक्स्ट एडिट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अकाउंट्स लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं ऑनलाइन गेम्स कर देता हूँ। देख सकते हैं आसानी से यहाँ पर मैं टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूँ। इस प्रकार से अगर आप अलग अलग टेक्स्ट को चेंज करना चाहेंगे, जो भी आप टेक्स्ट रिप्लेस करना चाहेंगे, तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको टेक्स्ट एडिट करके दिखा दिया है इस पीडीएफ फाइल में। तो अगर आप किसी इमेज को रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो पीडीएफ फाइल में इमेज को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले एक इमेज सिलेक्ट करना होगा, मतलब कि जिस इमेज को आप रिप्लेस करना चाहते हैं उसको आपको सबसे पहले सिलेक्ट करके रखना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप राइट साइड में देखेंगे और एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट सेक्शन में, आपको इमेज रिप्लेस करने के लिए एक ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से आपके कंप्यूटर में जो भी इमेज है उसको आप चेंज कर सकते हैं, मतलब कि रिप्लेस कर सकते हैं। आसानी से यहाँ पर रिप्लेस भी हो जाता है और आपके हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी पीडीएफ फाइल में इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में, जो कि काफ़ी आसान से हो जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। अगर आप किसी भी पीडीएफ फाइल में टेक्स्ट को फ्री में एडिट करना चाहते हैं, वो भी मोबाइल से, तो उसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप मेरा कंप्लीट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जितना भी आपको पीडीएफ का प्रॉब्लम है ना वो प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, तो एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको पीडीएफ फाइल में इमेज रिप्लेस करके भी दिखा दिया है। अगर आप किसी टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद जहाँ आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करके रखना है, और यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट या फिर वर्ड लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे चैनल का नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और लिखने के बाद यहाँ पर इसका साइज़ जो है आपकी सबसे एडजस्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और इसे कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। राइट साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब कि इस वाले सॉफ्टवेयर में जितना भी एडिट करने के लिए ऑप्शन है ना वो राइट साइड में ही है, जो आपके हिसाब से इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को ऐड कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको किसी पीडीएफ फाइल में सिग्नेचर भी ऐड करना है तो वो कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको सिग्नेचर का ऑप्शन देखने को मिलेगा इस वाले सॉफ्टवेयर में, जो कि ऊपर देख सकते हैं वाटरमार्क के ऊपर है। और इस आइकॉन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको ऐड सिग्नेचर क्लिक करना है। ऐड सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर आपको एक बॉक्स देखने को मिलता है, इस बॉक्स में आप जो है ना सिग्नेचर टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास इमेज है, इमेज भी आप कंप्यूटर से ऐड कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मेरा नाम का जो फर्स्ट लेटर है ना उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट ये एग्जाम्पल है। और इस तरह से आप सिग्नेचर ड्रॉ भी कर सकते हैं, और जैसे आप अप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर आप किसी भी जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ आपको मन चाहे वहाँ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं नीचे कर देता हूँ। तो इस तरह से सिग्नेचर भी आप ऐड कर सकते हैं, सिग्नेचर भी आपके हिसाब से एडजस्ट करके सेट कर सकते हैं। तो काफ़ी आसानी से हो जाता है इस वाले सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पर मैंने आपको सिग्नेचर ऐड करके भी दिखा दिया है इस सॉफ्टवेयर में कैसे सिग्नेचर ऐड किया जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप किसी भी पीडीएफ फाइल में जो हेडिंग है ना, हेडिंग का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो हेडिंग का कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले
हेडिंग आपको सिलेक्ट करना होगा इस तरह से। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक आइकॉन देखने को मिलेगा, कलर चेंज करने के लिए आइकॉन देखने को मिलेगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो हेडिंग का जो कलर है ना ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने चेंज भी कर दिया है। तो इस तरह से हेडिंग का कलर भी आप आपकी हिसाब से एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कलर। तो एडोब रीडर में अगर आपका पीडीएफ फाइल कंप्लीट एडिट हो जाए तो यहाँ पर आपको सेव करना होगा। अगर आप सेव नहीं करेंगे ना तो जितना भी आपने एडिट किया वो एडिट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको लास्ट में सेव करना है। यहाँ पर आपको सेव करने के लिए ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करते ही ये सेव हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कंप्यूटर से, जिसको मैंने अभी भी एडिट किया है। तो देख सकते हैं कम्प्लीटली एडिट हो चुका है। ऐसे ही आप Adobe सॉफ्टवेयर में किसी भी पीडीएफ फाइल को आराम से एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फुल बाय करना होगा, क्योंकि जितना भी सेटिंग जितना भी फीचर्स आपको बताया है ना वो फुल वर्जन में ही मिलता है। तो अब इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और अगर आपको कुछ सवाल सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।